सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। प्रोटीन डिनेचुरेशन का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि उसके फंक्शनल फॉर्म को प्राइमरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना या एक नेचुरल फॉर्म को डिस्टर्ब करके लीनियर फॉर्म में ले आना। दैट इज व्हाट, ये नेचुरल फॉर्म है उसका क्वार्टनरी, ठीक है, क्वार्टनरी टर्शियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ये लीनियर फॉर्म में लेके आ रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में लेके आ रहे हैं। दैट इज व्हाट द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एक्सेप्ट द पेप्टाइड बॉन्ड। नो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो कोई भी ब्रेक यहाँ पे प्रोटीन डिनेचुरेशन में। ज्यादातर जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, वंडरवॉल, ये सारे इंटरेक्शंस ब्रेक होते हैं। उसके बाद डिनेचरिंग एजेंट में अलग अलग डिनेचरिंग एजेंट होते हैं। टेम्परेचर जो करता है क्या करेगा, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को ब्रेक करता है। टेम्परेचर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को ब्रेक करेगा। यूरिया, यूरिया क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करता है या सॉल्वेंट के नेचर की प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट को चेंज करेगा। बीटा मर्काप्रोथेनॉल सुना होगा आपने, लैब में आप यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, रिड्यूस और ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है। यूरिया जैसे कि ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो नेचर को चेंज करता है। उसके बाद चाहे डिटर्जेंट हो, चाहे एसिड बेस हो, चाहे मेटल्स हो, ये सारे आयंस होते हैं तो आयनिक इंटरेक्शन। ये बहुत सिंपल सा पार्ट है कि टेम्परेचर जो होता है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, यूरिया या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नेचर को चेंज करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को, बीटा मर्काप्रोथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को, बाकी डिटर्जेंट, एसिड बेस, मेटल्स, क्योंकि ये आयनिक होते हैं तो इसी वजह से आयनिक इंटरेक्शंस को डिस्टर्ब करेंगे। सॉल्युबिलिटी का कभी कभी आता है, एक आइसोलेप्टिक प्रेसिपिटेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है कि पीआई से ऊपर बढ़ाइए या कम करिए, सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी और पीआई पे मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर प्रेसिपिटेट भी किया जाता है जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन, जहां पे वो एज अ चिलेट प्रेसिपिटेट कर जाता है पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। आइसो, क्योंकि पीआई पे जो नेट चार्ज होता है वो होता है जीरो, तो कोई भी अट्रैक्शन नहीं रह जाता, कोई भी रिपल्सन नहीं रह जाता, वो अट्रैक्ट करते हैं इक्वल पॉजिटिव इक्वल चार्ज में, नो नेट चार्ज इज देयर। फिर उसके बाद कोई भी रिपल्सन फोर्स नहीं रह जाता तो वो सॉल्युबिलिटी जो होती है डिक्रीज होने लगती है। उसके बाद आता है सॉल्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं अमोनियम सॉल्टिंग आउट सॉल्टिंग इन के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी। सॉल्टिंग इन में जब सॉल्ट बढ़ाते हैं तो खासकर क्या होता है, सॉल्ट जब कम होता है तो ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, आयनिक इंटरेक्शन जो कि अट्रैक्शन जो होता है उसको कम करेंगे। अट्रैक्शन को कम करेंगे तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली बात है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जैसे कंसंट्रेशन होता है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से सोडियम आयन रिएक्ट करता है फ्री वाटर से, बाहर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें इंटरेक्ट करेगा तो फ्री वाटर कम होगा। जब फ्री वाटर कम होगा तो हाइड्रोफोबिक स्पॉट जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही ठंड लगती है, बहुत ही ठंड लगती है, तो जैसे धूप निकलेगा वो बाहर निकल के आते हैं। तो क्या होता है कि एग्जैक्टली जब बाहर कुछ वाटर कम हुआ, जब वाटर कम हुआ, ठंड कम हुई, तो वो बाहर निकल के आएंगे। कौन से लोग, हाइड्रोफोबिक स्पॉट, और वो जब वापस आएंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, इंक्रीज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और सॉल्टिंग आउट फिनोमिना हो जाता है यहाँ पे। दिस इज द प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, इस तरीके से आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि पूछा जाता है प्रोटीन फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग में ज्यादातर जो यूज होता है एचएसपी 70-60 होते हैं, और यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट आता है एचएसपी 70 जो होता है अर्ली बाइंड करता है, इसको 1 एटीपी चाहिए होता है रिक्वायरमेंट के लिए। एचएसपी 60 को 7 एटीपी चाहिए होता है, कितने एटीपी चाहिए होते हैं, 7 एटीपी चाहिए होते हैं। एचएसपी 70 के लिए कोई भी को चेप्रोनिन नहीं चाहिए, 60 के लिए चेप्रोनिन चाहिए, को चेप्रोनिन चाहिए होता है। यूकैरियोट में इसको एचएसपी 10 बोलते हैं और प्रोकैरियोट में इसको ES बोलते हैं। एस का मतलब स्मॉल और EL में L का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। ग्रुप एस्टरिचिया कोलाई लार्ज प्रोटीन एंड ग्रुप एस्टरिचिया कोलाई स्मॉल प्रोटीन, ये होता है ग्रो ईएल और ग्रो ईएस का फुल फॉर्म।
नाउ मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स के बाद फोल्डिंग में जो प्रोसेस आता है उसमें जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, फोल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो फोल्डिंग में जो प्रोसेस आता है, पहली बात इंटरेक्शन, सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है फोल्डिंग में वो कौन सा इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसके बाद जो इन्वॉल्व होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद बाकी आयनिक इंटरेक्शंस या डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। सबसे मेजर जो होता है दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं किसी भी फोल्डिंग प्रोसेस में, किसी भी प्रोटीन फोल्डिंग में। इट इज द रिवर्स ऑफ डीनेचुरेशन। क्या होता है? रिवर्स ऑफ डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स ऑफ डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते थे, क्वार्टनरी से प्राइमरी में ले आते थे, क्वार्टनरी टर्शियरी प्राइमरी या सेकेंडरी से प्राइमरी में ले आते थे। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी को पहले मोल्टन ग्लोब्यूल में ले आएंगे, प्राइमरी को पहले मोल्टन ग्लोब्यूल में ले आएंगे, उसके बाद उसको कहां पे ले जाएंगे, टर्शियरी या क्वार्टनरी में लेके जाएंगे। दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज हियर। ये उसको बोलते हैं फोल्डिंग। इसमें एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं एनर्जी ग्राफ के बारे में, जब आप ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ती रहेगी, और इसमें जो होता है कई सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, सबसे ऊपर ए बी, ये क्या होता है, इसमें याद कर कोड रहता है, मैंने कोड जनरली कई जगह पर बताया, जो लोग पढ़ चुके हैं नहीं पता है तो याद रखिएगा, यू एम डी एन। क्या है? यू एम डी एन। अगर ये कोड याद रहेगा तो आप आराम से इस चीज को सॉल्व कर लोगे। यू एम डी एन में ए जो होता है, यू होता है, यू का मतलब होता है अनफोल्डेड। क्या है? अनफोल्डेड होता है। ए का मतलब है अनफोल्डेड, अनफोल्डेड है। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है मोल्टेन ग्लोब्यूल, बीच का स्ट्रक्चर है मोल्टेन ग्लोब्यूल। उसके बाद आता है क्या, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, एंड डी इज द नेटिव स्ट्रक्चर। दिस इज यू एम डी एन इज द कोड, अनफोल्डेड मोल्टेन ग्लोब्यूल, डी एंड एन, डी इज द डिस्क्रीट एंड एन इज द नेटिव स्ट्रक्चर। ये कभी कभी पूछा जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन में आते हैं मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। सो मायोग्लोबिन इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। ये मोनोमेरिक प्रोटीन है, ये टेट्रामेरिक है, यानी कि नॉन एलोस्टेरिक ये होता है, ये एलोस्टेरिक होता है। एलोस्टेरिक एंजाइम और नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा आपको, हीमोग्लोबिन जब मैं अभी डिस्कस करूंगा तो। ठीक है, सो आप देखिएगा कि हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन टर्शियरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और जितने भी एलोस्टेरिक या जितने भी आपके हीमोग्लोबिन, जितने भी एंजाइम्स जो रेगुलेट किए जाते हैं वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होते हैं। नाउ उसके बाद देखने की कोशिश करिएगा, O2 is used for the storage. O2 जो होता है स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, अफिनिटी इसकी हाई होती है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो लेस बाइंडिंग अफिनिटी करता है, अफिनिटी इसकी लेस होती है, और O2 ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन को यूज किया जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। नाउ अगर मैं बात करूं आपसे कि जब एलोस्टेरिक नहीं है ये, जब एलोस्टेरिक नहीं होगा तो कोई सारी चीजें जो होंगी, एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है मायोग्लोबिन, जबकि हीमोग्लोबिन करता है चार ऑक्सीजन से बाइंड। आर एंड टी स्टेट की बात नहीं होती, पीएच इफेक्ट कोई नहीं होता, कर्व होता है मायोग्लोबिन का, वो कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है, एमबी एक ऑक्सीजन से बाइंड करके MbO2 बनाता है। इस हिल कोफिशिएंट की जो वैल्यू यहां पे होती है n=1 होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन में वो n=1 एंड दैट इज इक्वल टू 2.8 होता है। यहाँ पे जो कर्व आता है वो आता है एस शेप्ड। एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम अलग होते हैं किससे, माइकलिस मेंशन या नॉर्मल एंजाइम से, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। क्यों? इनका ग्राफ जो होता है एस शेप्ड आता है और इनका हाइपरबोलिक आता है। पूरा का पूरा काइनेटिक्स जो होता है वो मायोग्लोबिन का, जैसे कि एंजाइम में आपने देखा था वैसा ही होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का सिग्मोइडल हैं। हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन आया हुआ है कई सारे एक्सेल एग्जाम में, 2014 में आया हुआ है, 2016 में भी आया हुआ है हीमोग्लोबिन से, और कभी-कभी बायोटेक में भी आता रहता है। क्या है वो क्वेश्चन, ज्यादातर उसके बारे में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है, हीम ग्रुप से, ग्लोबिन से। ऑक्सीजन हो चाहे NO हो चाहे CO हो, ये Fe2+ से बाइंड करते हैं। किससे बाइंड करते हैं? Fe2+ से।
किससे बाइंड करेंगे, Fe2+ से बाइंड करेंगे, और जितने भी CO2, H+ और BPG ये किससे बाइंड करेंगे, दैट इज ग्लोबिन से बाइंड करेंगे, ग्लोबिन से बाइंड करेंगे। येलो स्ट्रिप प्रोटीन सिक्वेंशियल और कंसर्टेड दोनों हो सकते हैं। सिक्वेंशियल में 1/1 यूनिट चेंज होता है, जबकि कंसर्टेड में चारों यूनिट एक बार में टी से, ये देखिएगा जो स्क्वायर है वो टी है और जो सर्कल है वो आर है, तो पूरा का पूरा टेंस्ड स्टेट रिलैक्स्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है कंसर्टेड में, लेकिन सिक्वेंशियल में एक एक यूनिट चेंज होता है। और एक और चीज जो कि हीमोग्लोबिन के फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। ये जो अफिनिटी का ग्राफ होता है, याद रख रहिएगा, अफिनिटी का ग्राफ यहाँ पे क्या होता है, इल, ठीक है, इल होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इल होंगे तो किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इल होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, यही है, इल होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, यही आपको कोड याद रखना है, ठीक है। मतलब इंक्रीज होगा तो लेफ्ट और डिक्रीज होगा तो राइट, That is what the shift of this curve. अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है अगर तो वो लेफ्ट शिफ्ट होगा एंड डिक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा पार्शियल प्रेशर ILDR, ठीक है, दैट इज वॉट एल होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। कैसे होगा अफेक्ट, चाहे एच प्लस हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे बीपीजी हो, तीनों के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है हीमोग्लोबिन की अफिनिटी। चाहे एच प्लस बढ़े, चाहे टेम्परेचर बढ़े, चाहे बीपीजी बढ़े, तीनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एलपीजी आपके अफिनिटी जो होती है। और इसके बाद एक और बात बता दो, क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में पूछा गया गेट बायोटेक्नोलॉजी, और दो में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, सिर्फ यही पूछा गया होता क्या है। ग्लूटामेट होता है 6 पोजीशन पे वैलिन से रिप्लेस होता है, क्या होता है, 6 पोजीशन का ग्लूटामेट वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक स्पॉट जो होते हैं वो अंदर धंसने लगते हैं और सिकल सेल बन जाता है। थैलेसीमिया में ग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता, नो सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन, ये होता है थैलेसीमिया में। सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कांसेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।